दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्मार्ट सपोर्ट। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बढ़िया जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो हिकविजन का जो DVR होता है उससे रिलेटेड है। हमें क्या दिक्कत आती है हिकविजन के DVR में, अगर हम उसका कभी भी पासवर्ड मिस कर देते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करने में हमें बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कंपनी की कई सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, कंपनी को मेल भेजनी पड़ती है, उसके लिए हमें एक लैपटॉप भी चाहिए, फिर उस लैपटॉप में हमें एक SCDP टूल होता है वो भी डाउनलोड करना पड़ता है, और डाउनलोड करने के बाद फिर हमें उसमें फाइल एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। कई सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन हम दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा, लेकिन पासवर्ड रिसेट नहीं होता। तो मैं उससे रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया अपडेट लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए। मैं आपको एक ऐसी साइट बताऊँगा जिस साइट से आप आराम से अपने DVR को अनबाइंड भी कर सकते हैं और अपने DVR का पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपको बने रहना और वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे कोई ना कोई जानकारी मिस हो जाएगी और आप इससे अपने DVR को अच्छे से ना तो अनवाइंड कर सकते हैं फिर, और ना ही रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपने DVR की स्क्रीन है जो उस पर आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हम पासवर्ड जो फॉरगेट करते हैं वो कौन से वाला पासवर्ड हम फॉरगेट कर रहे हैं। मैं मेन मेन्यू पे चले जाता हूँ, यहाँ पे हम जो यूज़र नेम लॉगिन का जो पासवर्ड होता है, यूज़र नेम और नीचे जो पासवर्ड डलता है उसे फॉरगेट करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना, क्लिक करते ही ऑटोमेटिक जो DVR का सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो सीरियल नंबर है ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस सीरियल नंबर से ही हम इसे क्रैक करेंगे पासवर्ड को, और वो भी बिना किसी SADP टूल की मदद से, सिर्फ अपने फ़ोन से। और दोस्तों ये जो चीज़ है ये आपको नोट रखनी है, ये जो आपका सीरियल नंबर है इसे आपको नोट कर लेना है, क्योंकि सीरियल नंबर के थ्रू ही आप अपना जो पासवर्ड है वो खोल सकते हैं, और इसी के थ्रू ये रीसेट भी होगा आपका जो मेन है। आपने ये सीरियल नंबर और जो फ़िलहाल आपके DVR में डेट एंड टाइम है वो आपको यहाँ से नोट कर लेना है और एक पेपर के ऊपर लिख लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में चले जाना है, गूगल क्रोम जो है आपको उसे ओपन कर लेना है, और ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे IPCamTalk.com के नाम से ये वेबसाइट है, आप इसमें जा खुद भी एक बार विजिट कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको सीरियल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें हिकविजन मैंने खोला हुआ है, तो मैं हिकविजन का ही आपको बता रहा हूँ। हिकविजन का जो सीरियल नंबर अभी हमने कॉपी किया था हमने, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है पूरा का पूरा। मैं इसे एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए मैं अपना पूरा सीरियल नंबर डाल देता हूँ एक बार। सीरियल नंबर डालने के बाद इसमें नीचे डेट और एंड टाइम भी डालना है। डेट आपको जो फ़िलहाल करंट DVR में है, चाहे वो न्यू है या ओल्ड डेट है आपकी, वो ही डालनी है आपको, डेट चेंज नहीं करनी है, तभी जाके अनबाइंड होगा। तो मैंने दोनों अपनी डेट भी डाल दी है और सीरियल नंबर भी। उसके बाद ऑटोमेटिक नीचे एक कोड जनरेट होगा, आपको नीचे जाके वो कोड वहाँ से कॉपी कर लेना है, और उस कोड को आपको जो नीचे का कोड का ऑप्शन है आपको इसमें उसे डाल देना है। कोड डालते ही मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे वो कोड डाल देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। मैं यहाँ पे कोड डाल रहा हूँ पूरा पूरा, और कोड डालते ही हमारा जो DVR है ऑटोमेटिक, देखिए जो मैंने कोड यहाँ से कॉपी किया था मैं वही डाल रहा हूँ पूरा का पूरा कोड, ये आप एक साइड में देख सकते हैं। ये देखिए कोड डालते ही हमारा एकदम न्यू पासवर्ड पे आ चुका है, क्रिएट न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड। हमें अब जो भी यहाँ पे नया पासवर्ड रखना है हम वो नया पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों, ये देखिए मैं नया पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ इसमें एक बार। दोस्तों वेबसाइट बहुत ही बढ़िया है ये, और आप इस वेबसाइट पे किसी भी तरह का जो भी आपके पास DVR है किसी भी कंपनी का, चाहे वो CP+ का है, हिकविजन का, वो सारे आप यहाँ से अनबाइंड कर सकते हैं और सबको फॉरगेट पासवर्ड भी सबका कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए जो मैंने अभी नया पासवर्ड बनाया था मैं उसे इससे खोल के दिखा देता हूँ, ये हमारा खुल चुका है दोस्तों। और हमें अब जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करनी है वो सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक भी करना है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों अगर आपको सीसीटीवी से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी तो चाहिए तो मैं अपने चैनल पे नई नई अपडेट देता रहता हूँ, आप सारी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। और हिकविजन के, डव्वा के, सीबी प्लस के, किसी भी डीवीआर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।